ये देखो सेंसर, बजाज कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये आपके इंजन ऑयल की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को दर्शाएगा। दो अभी ऑन कर दी, एक भी सेंसर खोले तो यहाँ पे एरर कोड आ जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखें। A few moments later. दोस्तों जिस 250 की मैं बात कर रहा था आपसे, ये वही बाइक है और इस बाइक के अंदर जो की कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम है और बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कतें आ रही है। सुबह सुबह स्टार्ट करने में सेल्फ लगता है और फिर बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो आज इसी के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो है। मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ना भाई साहब, एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको जो एग्जैक्टली में जो प्रॉब्लम है इस बाइक के अंदर, वही दिखाऊंगा आपको और क्या क्या कर सकते हो आप भी अपनी बाइक के लिए, जिसकी वजह से जो आपकी बाइक भी सुबह सुबह स्टार्ट आराम से हो जाए। और दोस्तों अगर आपके पास भी N250 और उसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इसको लेके, सुबह सुबह कोल्ड स्टार्ट को लेके, तो आप हमारे पास आ सकते हो। 100% आपकी जो प्रॉब्लम है उसको खत्म कर देंगे। वाले क्या करते हैं, कंपनी में 2-3 दिन लगा लेते हैं और अपडेट के नाम पे गाड़ी को रोक भी लेते हैं। अपडेट करेंगे कि अपडेट अभी नहीं हुआ, कि इसमें ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें बताते हैं, लेकिन काम जीरो का जीरो ही रहता है उनका। तो इस चीज से भी बच जाओगे आप, अगर हमारे पास आते हो तो आपका टाइम भी बच जाएगा, प्लस मनी भी बच जाएगी, दोनों चीज आपकी जो है सेफ हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बाइक में काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कुछ सेंसर मैंने चेक कर लिए थे इसके, जैसे कि कहीं दिक्कत ना हो इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं ऐसी। अब फटाफट से इसके अंदर काम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे दिक्कत किस में है, तो खोलना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तक जल्दी पहुंच सके। चलिए दोस्तों करते हैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट बिना देरी करें। A few moments later. तो दोस्तों इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है, एक बार सेल्फ मारते हैं, चेक करते हैं और आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं इसके अंदर कितनी ज्यादा आती है सुबह सुबह। जो कस्टमर का कहना है, कस्टमर तो परेशान हो जाते हैं सेल्फ मार मार के, लेकिन फिर बाइक जो है थोड़ी देर बाद स्टार्ट भी हो जाती है और फिर बंद भी हो जाती है, तो ये उनके साथ चल रहा है, इसलिए वो हमारे पास आए। और हम सबसे पहले अभी इसको एक बार ना प्रॉब्लम को चेक करते हैं, क्या दिक्कत है, क्या कौन सी वाली परेशानी की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी वाली प्रॉब्लम है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये कस्टमर ने अपने घर से बना के भेजी हमें, तो जैसे कि आप ये देख रहे हो वीडियो, तो अभी हमें क्या करना है, तो इसके अंदर इसको ठीक करना है, कैसे करेंगे और किस तरीके से होना वो तो आपको पता लग जाएगा वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले काम करना स्टार्ट करते हैं और क्या क्या इसमें चेक करेंगे वो सारी चीज़ें करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों अगर ऐसे ही आपकी बाइक भी बंद हो जाती है तो क्या क्या चीज़ इसमें चेक कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स जो है जिनमें दिक्कत हो सकती है वो भी चेक करते हैं, और जो इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है हम खत्म कर ही देंगे। तो फटाफट से काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप भी देख रहे हो, सीट जो यहाँ से खुल चुकी है और अब जो बचता है इसका टैंक है, इसके टैंक को खोलना है। नीचे जो थ्रॉटल बॉडी है उसको चेक करते हैं, स्पार्क प्लग चेक करते हैं और इसकी बैटरी वगैरह चेक करते हैं और इसके जितने भी थ्रॉटल बॉडी के सेंसर है उसको चेक करते हैं। अगर आपके पास N250 है तो आपकी प्रॉब्लम जो है खत्म होने वाली है आज इस वीडियो को देखकर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है N250 बिल्कुल पूरी की पूरी सारे के सारे इसके फेयरिंग खोल दिए, ये रखे और आधे उधर रखे और टैंक ये रखा, देख रहे हो बिल्कुल नेकेड कैसे लगती है, एकदम ढांचा हड्डी चेसिस के साथ में बस नशे जैसे वायरिंग आ रही है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो है मिसिंग और स्टार्टिंग प्रॉब्लम, और मैं आपको चार ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसे टॉपिक बताऊंगा, अगर आपने वो चारों के चारों कर लिए तो आपकी बाइक जो है मिसिंग की प्रॉब्लम और सुबह स्टार्टिंग की प्रॉब्लम खत्म आराम से हो जाएगी और परेशानी प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम जो है आज खत्म करेंगे और स्टेप बाई जो चारों के चार टॉपिक है उन पर काम करेंगे। हो सकता है इस बाइक में एक प्रॉब्लम हो, दो प्रॉब्लम हो, तीनों या चारों हो, लेकिन आपकी में हो सकता है एक हो, दो हो, देखना पड़ता है। और ऐसा नहीं दोस्तों, हमारी की एक ही दवाई होती है, सबका इलाज अलग अलग तरीके से होती है। चलिए दोस्तों पहला स्टेप जो है मेरा वो है इसकी थ्रॉटल बॉडी के मैप सेंसर को चेक करना और थ्रॉटल बॉडी से क्लीन करना, देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से थ्रॉटल बॉडी खोल चुका हूँ और सारे सारे इसके जो सेंसर हैं वो निकाल चुका हूँ। ये देखो सेंसर को खोलना बाकी है, खोल के अच्छे से क्लीन करते हैं और थ्रॉटल बॉडी की ये देखो इधर से, ठीक है। आप इधर से देखो, ये देखो, देख रहे हो, तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है इस पार्ट को, और इसके जो सेंसर हैं उनको भी क्लीन करना ज़रूरी है। और ये है नई बाइक, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, और देखो नई बाइक के अंदर ये हालत हो रही है, ठीक है। तो फटाफट से इसको क्लीन करते हैं, सारे सारे सेंसरों को खोलते हैं। दोस्तों ये देखो थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर रहा था मैं ऑलमोस्ट, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो क्लीन कर चुका हूँ, ये देखो, और ये देखो यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये सेंसर खोल दिया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये देखो सेंसर खोला मैंने और अंदर देख सकते हो कितना ज़्यादा कार्बन आया हुआ, देख रहे हो, इतना बाहर नहीं था जितना अंदर आया हुआ था। और इस सेंसर को जैसे मैंने निकाला तो मेरी नज़र सीधी इसके ऊपर पड़ी, ये देखो एक मिनट आपको नज़र आ रहा है, ये देखो, ये देखो कितनी सारी मिट्टी है, देख रहे हो, ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा ये सेंसर की तरफ से, बिल्कुल जो काला नज़र आ रहा है। इस सेंसर को साफ करना है,
और फिर थ्रोटल बॉडी के अंदर लगाना है और थ्रोटल बॉडी को क्लीन करना है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे थ्रोटल बॉडी क्लीन हो चुकी है और दोनों के दोनों सेंसर क्लीन हो चुके हैं जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं, और इसको फिट करते हैं। और सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो थ्रोटल बॉडी बैठ चुकी है और ऊपर जो है हेड का टापा जो उसे खोल दिया हमने यहाँ से, और देखो ये रखा हुआ N250 के अंदर। ये बहुत अच्छा काम किया है कि इसके अंदर जो है सिम है, जो टूल होता है टूल से इसका गैप नापेंगे, उसको चेक करेंगे, और अगर उसमें कुछ टाइट पर ना होता है तो सिम सीधा यहाँ पे चेंज हो जाती है। फटाफट से इसकी सिम की सेटिंग करते हैं और देखते हैं जो गाड़ी बंद हो रही थी वो कहीं ऐसा तो नहीं के अंदर ज्यादा गैप आ रहा हो, या फिर एक सिम हो सकती है टाइट हो रही है जिसकी वजह से दिक्कत आएगी। तो फटाफट से मेजरमेंट करते हैं तो सीधा इसको सिम को सेट करते हैं। इसके अंदर मैकेनिकल के लिए कुछ सोचा गया है, बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले NSO RSO सबके अंदर टाइमिंग मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, मैग्नेट की तरफ से मिलाते थे, कभी क्लच की तरफ से मिलाते थे, कभी इधर से देखना कभी, लेकिन इसके अंदर बहुत ही अच्छा काम किया मैकेनिकल काम कह सकते हैं टाइमिंग मिलाने के लिए। यहाँ पे बहुत बढ़िया एक हॉल कर दिया है, होटी लगा सकते हैं, ये देखो तो इस तरीके से टाइमिंग मिला सकते हैं बड़े आराम से। और जो कि RS में तो हालत ख़राब हो जाती थी टाइमिंग मिलाने के लिए, तो ये टाइमिंग यहाँ पर टॉप पे है। तो जैसे दोस्तों आपको दिखाया था मैंने, इसके अंदर जो है टैपेट नहीं है, इसके अंदर सिम है और सिम की सेटिंग हमेशा इससे होती है, टैपेट की भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर ये सिम के लिए काम आता है। करते हैं इसको सिम को चेक, और यहाँ पर मैं डालता हूँ इसके अंदर फिलर के जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और थोड़ा सा जगह की कमी है लेकिन कोई नहीं, काम तो करना ही है। तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फिलर गेज है ठीक जा रहा है इसके अंदर, ठीक है एक मिनट, हाँ ये देखो मतलब कि इंटेक वाला हमने चेक कर लिया सिम, और अब चेक करते हैं एग्जॉस्ट वाली सिम चेक, इसी तरीके से एग्जॉस्ट वाली भी चेक करेंगे। हाँ ये देखो तो एग्जॉस्ट वाली भी यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने जैसे कि इसके सिम चेक कराए इंटेक और एग्जॉस्ट, मुझे जहाँ तक लग रहा है इसके इंटेक जो है थोड़ा सा टाइट है, और इसमें नहीं ये ज़्यादा जितनी भी N250 आई हैं जिनकी भी गाड़ी में दिक्कत आ रही है उसके अंदर ये सिम जो है थोड़ा सा टाइट है, तो हल्का सा लूज करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि कंपनी अपडेट के नाम पर आपका उल्लू बनाया जाता है कि अपडेट करना है कि ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है, सब फेक है। दुनिया भर की वीडियो बना रहे लोग कि ये करो वो करो, सब कुछ गलत है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ इसका जो हेड है उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत है, जो कि सिम की एडजस्टमेंट का सारा खेल है, वही करना है, उसके बाद ही इसकी जो प्रॉब्लम है स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम, लंबे लंबे सेल्फ लेना, वो सब खत्म हो जाएगी और वो सारा का सारा जो है सिम के पास ही काम है। चलिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पे सिम की सेटिंग हो चुकी है, और चलिए दोस्तों फटाफट से हेड के टापे को लगाते हैं और फिर आगे का काम करते हैं स्टार्ट। हेड का टापा लग चुका है, सिम का काम कम्प्लीट हो चुका है, अब हमने जो है इसका स्पार्क प्लग खोला है। तो देखो ये स्पार्क प्लग जो है अलग से दे रखा, मतलब लंबे वाला, और ये है छोटी छोटी वाला पल्सर वाला जैसे कि आपको नजर आ रहा है। दोनों के दोनों स्पार्क प्लग है, चेंज करेंगे यहाँ पे, दोनों स्पार्क प्लग खत्म की कंडीशन पे है, तो फटाफट से नए वाले स्पार्क प्लग डालते हैं। और ये रहे नए स्पार्क प्लग, देखो मैं एक बार आपको पास से दिखाता हूँ। और जो हम जो स्पार्क प्लग डालते हैं वो डालते हैं NGK के स्पार्क प्लग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये रहा दूसरा स्पार्क प्लग, इसके अंदर दो स्पार्क प्लग दे रखे हैं N250 के अंदर जैसे कि आपको नजर आ रहा है। तो ये वाला स्पार्क प्लग लेफ्ट हैंड में, ये वाला स्पार्क प्लग राइट हैंड साइड में, तो फटाफट से इन दोनों प्लग को डालते हैं बाइक के अंदर। तो दोस्तों अभी जो है तीन स्टेप करके दिखाया मैंने, अभी अभी तो कुछ और स्टेप बाकी है जो कि आपको दिखाने बाकी है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला वाला पॉइंट दिखाया था, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करी थी और मैप सेंसर TPS सेंसर दोनों को क्लीन किया था बढ़िया करके, यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी पहला स्टेप है। इसके अंदर सिम की सेटिंग करना तो वो दूसरा स्टेप है, सिम की सेटिंग करना, और तीसरा स्टेप है दोस्तों स्पार्क प्लग चेक करना, और अभी चौथा बाकी है। तो चलिए दोस्तों वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताता हूँ कि चौथा स्टेप कौन सा है, और ये चारों के चारों स्टेप आपकी ही बाइक में काम आने वाले हैं इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, जिस पर हमने पूरी की पूरी वीडियो बनाई है। चार पॉइंट अगर अपनी बाइक में करा लेते हो चेक तो आपकी जो प्रॉब्लम है 100% खत्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं चौथे स्टेप की, तो हीटिंग सेंसर। तो मैं आपको सबसे पहले एक बार हीटिंग सेंसर दिखाता हूँ इसका, और फिर उसके बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है यह है हीटिंग सेंसर। चलिए दोस्तों सबसे पहले फटाफट से इंजन टेम्परेचर सेंसर को बाहर निकालते हैं और फिर आपको नया वाला सेंसर दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये है नया सेंसर, देख रहे हो यहाँ पे, ये है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो कि पहले आया करता था कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नया डालेंगे, जैसे कि पहले ही बाइक में पता था कि कूलेंट के लिए यूज़ होता था, लेकिन इस बाइक में क्या हुआ है ये ऑयल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है चीज़ कंपनी ने सही नई चीज़ बनाई है कि ये भी ऑयल को भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे इसको। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं और सीधा इसको दिखाते हैं आपको नया सेंसर इसका, ठीक है। तो ये देखिए ये है इसका नया सेंसर, देखो ना अब यहाँ पे। तो ये मैंने बजाज की पैकिंग से निकाल लिया, ये देखिए ये इसका नया सेंसर है। तो नया सेंसर कुछ ऐसा आता है, तो चलिए इसको लगाते सीधा बाइक के अंदर और फिर करते सीधा इसको फिटिंग। तो दोस्तों जैसे कि आपने ये वाला सेंसर देखा, ये सेंसर आता था लिक्विड कूल्ड बाइक में, जैसे कि KTM NS वगैरह में जिनके अंदर रेडिएटर वगैरह होता है, या सारी बाइक में जिसमें रेडिएटर होता है वहाँ पे एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि सेंस करता है आपके कूलेंट की क्षमता को, कूलेंट कम तो नहीं है या कूलेंट खराब तो नहीं है, अगर खराब होगा तो ही। बजाज कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये वाला जो सेंसर लगाया है ये आपके इंजन ऑयल की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को दर्शाएगा। हीटिंग का वार्निंग आएगा मीटर के अंदर, और अगर कम होगा तब भी हीटिंग का वार्निंग आएगा।
तो वही दोनों को बताएगा कि कितनी बढ़िया है कितनी घटिया है। अगर मान लो इसके अंदर सस्ता ऑयल डाल देते हैं या इंजन ऑयल कम कर देते हैं तो इसकी जो है वार्निंग लाइट यहाँ पे शो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि इसके इंजन ऑयल खराब हो गया है या इंजन ऑयल कम है। तो ये फीचर बहुत ही बढ़िया दिया बजाज कंपनी ने, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। क्योंकि इसके अंदर जो अगर आपके दिमाग में अब सवाल आ रहा होगा यार ये सेंसर है, दूसरा सेंसर इसके ऊपर दिया हुआ है जो कि इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर जिसे कहते हैं, लेकिन साथ में ये भी दे रखा है नीचे इसके, जिससे कि इंजन ऑयल की क्वालिटी का पता लगेगा और क्वांटिटी का पता लगेगा कि इंजन कम है या ज्यादा है। ठीक है ना दोस्तों, फटाफट से चौथा जो टॉपिक है इसी के ऊपर होने वाला है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे जो कि मैंने आपको चारों के चारों टिप्स बताए थे कंप्लीट पूरे हो गए हैं और वो सेंसर भी लग गया है। तो एक चीज मैं भूल गया था आपसे, तो वो बताना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले जो है बैटरी का वोल्टेज चेक करना, तो चलिए दोस्तों फटाफट से बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं। और बैटरी के वोल्टेज जो है 14+ आने चाहिए तभी जो है बैटरी अच्छी है, ओके है और कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्ट्रिकल में। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं। तो पास आ जाओ भाई और पास से दिखाओ। अभी जैसे कि बैटरी के अंदर मैंने मल्टीमीटर लगा लिया और आप देख सकते हो 12.50 अभी आ रहा है। अब सेल्फ मारते हैं। अरे वाह क्या बात है, और एकदम बड़े प्यार से एक सेल्फ में स्टार्ट हो रही है। चलो वो तो बात करते हैं, सबसे पहले वोल्टेज चेक कराता हूँ। ये देखो 14, 20, 25 यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। 14, 20, 25 यानी कि बैटरी का इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल चार्जर सब ओके है, सब बढ़िया काम कर रहा है। और जो एक प्रॉब्लम और थी जैसे कि मैं आपको बताना भूल गया था, सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज चेक करना है, उसके बाद आप जो मैंने चारों चारों स्टेप बताए वो लाइन वाइज आप यूज कर सकते हो उनको। अगर ऐसा नहीं कि दोस्तों आपकी जो मैंने चारों के चारों पार्ट जो काम किया है चारों में ही दिक्कत हो सकता है, आपकी एक प्रॉब्लम हो, दो प्रॉब्लम हो सकता है, तीसरी में खत्म हो जाए, लेकिन चारों के चारों पॉइंट अगर आपने ध्यान से देख लिए ध्यान से कर लिए ना तो आपकी बाइक में ना स्टार्टिंग प्रॉब्लम कोल्ड प्रॉब्लम कभी आ ही नहीं सकती दोस्तों। इस तरीके से काम कराओगे और इस तरीके से काम करोगे तो आपकी बाइक में कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। और दोस्तों अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक जल्दी पहुंच गए। और दोस्तों अगर हमारी वर्कशॉप पे आप आना चाहते हो तो हमारी वर्कशॉप का जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से सीधे आ सकते हो हमारे पास। तो फाइनली गाइस यहां पे जो काम जो सारा का सारा बाइक के अंदर हो चुका है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मारते हैं सेल्फ और देखते हैं प्रॉब्लम खत्म हुई या नहीं हुई। तो आओ पास आओ और मारते इसके अंदर सेल्फ, देखो हाथ ये रहा और देखते हैं फटाफट से कितनी देर में स्टार्ट होती है। क्या बात है, मतलब एकदम हल्के सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो रही है बिना किसी एरर कोड के आए। ठीक है, इतना सारा काम किया, हमेशा ध्यान रखें अगर आपने चाबी ऑन कर दी एक भी सेंसर खोले तो यहाँ पे एरर कोड आ जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो है बाइक आराम से सेल्फ स्टार्ट हो रही है और एक बार कस्टमर से और पूछेंगे सुबह मॉर्निंग में कैसे स्टार्ट हुई। बाकी तो हमने बहुत ज़्यादा ऐसे ठंडा किया है, एक दिन पहले भी बाइक हो गई थी उसके बाद ठंडा किया, दूसरे दिन भी स्टार्ट करी, तो प्रॉब्लम तो जड़ से खत्म हो गया दोस्तों इसकी। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।